और चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश की खबर का रुख कर लेते हैं। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई है। यूपी की 10 में से 8 सीटों पर बीजेपी के राज्यसभा प्रत्याशी जीते हैं। 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली। सपा की जया बच्चन को सबसे ज्यादा 41 वोट मिले। सपा के तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन हार गए हैं। क्रॉस वोटिंग की वजह से सपा प्रत्याशी को हार हासिल हुई है, लेकिन बीजेपी की उत्तर प्रदेश में बल्ले बल्ले हुई है। तो 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ यूपी की, और इसमें से 8 सीटें बीजेपी के पाले में आई हैं। सपा की जया बच्चन को सबसे ज्यादा 41 वोट मिले हैं और तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन सपा के हार गए हैं। तो देखिए, परिणाम घोषित हो रहे हैं राज्यसभा चुनाव के, और किसे कितने वोट मिले हैं वो भी आपको बताएंगे। 10 सीटों में से 8 पर बीजेपी, और देखिए अमरपाल मौर्य को 38 वोट मिले, आलोक रंजन को 19 वोट मिले, तो सपा की जया बच्चन को सबसे ज्यादा यानी कि 41 वोट मिले। इधर बात करें तेजवीर को 38 वोट मिले हैं, तो वहीं नवीन को भी तेजवीर के बराबर यानी कि 38 वोट ही मिले। आरपीएन सिंह को 37 वोट मिले। बात करेंगे अगले उम्मीदवार की, रामजी लाल को 37 वोट मिले। इधर उम्मीदवार साधना को 38 वोट मिले। और इसके साथ ही देखिए परिणामों में जो और नाम है इस लिस्ट में वो भी आपको बताते हैं। सुधांशु को 38 वोट मिले हैं, वहीं संगीता को भी 38 वोट मिले, और ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक, परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, और देखिए 8 सीटों पर तो बीजेपी की बल्ले बल्ले हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा वोट सपा की जया बच्चन को मिले। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से 10 राज्यसभा सीटों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से 3 प्रत्याशी मैदान में थे और बीजेपी की तरफ से 7 प्रत्याशी मैदान में थे, तो 10 सीटों पर 10 प्रत्याशी आराम से जीत सकते थे। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने 8वें प्रत्याशी के रूप में संजय सेठ का नामांकन कराया तो समीकरण बनने लगे, और बीजेपी ने इसके लिए जबरदस्त रणनीति बनाई। 7 विधायक समाजवादी पार्टी के क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आ गए, इसके अलावा 1 सपा विधायक गैर हाजिर रही, तो कुल मिलाकर इस वजह से बीजेपी अपने 8वें प्रत्याशी यानी संजय सेठ को भी जिता ले गई, और बीजेपी के 8 प्रत्याशी यानी 8 राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 चुने गए, जया बच्चन और रामजी लाल सुमन, उनके तीसरे प्रत्याशी आलोक रंजन जो मुख्य सचिव थे उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं वो हार गए। कुल मिलाकर अगर बात की जाए रणनीति की तो बीजेपी की रणनीति जबरदस्त रही है, और लोकसभा चुनाव से पहले निश्चित रूप से बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, 80 लोकसभा सीटें हैं, और जिस तरह से बीजेपी के विरोध में यानी एनडीए के विरोध में विपक्ष गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है उसको भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खुलेआम समर्थन दे दिया है भाजपा के प्रत्याशियों को, जिसकी वजह से बीजेपी को इतनी बड़ी जीत मिली है। जी देखिए, बीजेपी की तो बल्ले बल्ले हुई है, लेकिन ऐसे में विपक्ष के लिए ये चिंता का विषय भी बन गया है कि अगर क्रॉस वोटिंग भी हुई है और ज्यादा सीटों पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है, तो लोकसभा चुनाव में भी खासी तैयारियां करनी होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें भी यूपी से आती। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए।